राजसमंद जिले के आमेट उपखंड मुख्यालय पर स्थित हीरालाल देवपुरा राजकीय कॉलेज पर छात्र संघ अध्यक्ष हिम्मत गुर्जर के नेतृत्व में छात्रों ने ताला जड दिया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गुर्जर ने बताया कि कॉलेज में एमए, एमकॉम और पीजी जैसे संकाय खोलने की मांग को लेकर छात्र पिछले दस दिनों से प्रयास कर रहे है लेकिन अब तक कॉलेज प्रशासन द्वारा इसको लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही छात्रों को कोई आश्वासन दिया गया जिसके बाद इन छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री विधायक और जिला कलेक्टर के नाम पोस्ट कार्ड लिख कर अपनी मांगों से अवगत करवाया लेकिन इससे भी कोई समाधान नहीं निकला ऐसे में छात्रों ने कॉलेज के स्टाफ को ही अंदर बंद कर मेन गेट पर ताला जड़ दिया छात्र संघ अध्यक्ष गुर्जर ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में छात्र उग्र आंदोलन के साथ ही भूख हड़ताल करेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी दूर्जर आज महाविद्यालय में तालाबंदी करी तालाबंदी करने का कारण है कि दस दिन पहले हमने महाविद्यालय में पीजी कराने को लेकर दिया था ज्ञापन जिसके अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं आया है और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे महाविद्यालय को पीजी करावे इसके लिए हमने हमारे विधायक महोदय उपखंड अधिकारी और प्राचार्य महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री उनको भी हमने एक पोस्ट गार्ड का अभियान चलाकर उन्हें भी मतलब लेटर भेजा है और हम यही चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो अन्यथा आज तो चेतावनी देते हुए ताला लगाया कल से भूख हड़ताल और सब धरना प्रदर्शन करेंगे